अवैध तरीके से सागौन के पेड़ काटे जाने का काम वन विभाग की मिली भगत से चल रहा है। एक फार्म हाउस पर बिना इजाजत सागौन के कई पेड़ काट दिए गए। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने काटे गए पेड़ों को जब्त करवाया और फार्म हाउस मालिक पर कार्रवाई की बात कही। खटीमा क्षेत्र के पीलीभीत हाईवे से लगे हल्दीखेड़ा मझोला स्थित फार्म में अवैध रूप से सागौन के 80 पेड़ काटने का मामला सामने आया है। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी के साथ राजस्व विभाग को लेकर मौके पर पहुंचे और काटे गए सागौन के पेड़ों को जब्त कर लिया। उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि 30 पेड़ काटने की परमिशन की आड़ में सागौन के 80 पेड़ों को काट दिया गया है। अब फार्म के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यूपी बॉर्डर पर परमिशन की आड़ में अवैध रूप से सागौन के पेड़ बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं और जानबूझकर वन विभाग इस सब से अनजाना बना हुआ है। या कुछ उनके द्वारा वो हटा दिए गए उनके जड़ वगैरह, तो वो एकदम एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 80 पेड़ काट दिए गए जबकि इनके पास परमिशन सिर्फ 30 की थी। ठीक है, कोई ठेकेदार नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ के भू स्वामी हैं, जो यहाँ के स्वामी हैं जो इंडस्ट्रीज के, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।